Okay, dear, welcome back. And we were talking about competing in the new economy. And we just discussed that capitalistic economies or socialistic concerns ke saath saath, is waqt jo modern world ka buzzword hai, that is knowledge economy. And then there is development of e-business, e-commerce. Iska bahut zyada charcha aur bahut zyada jo door tha, wo raha bhi aur abhi bhi ye develop kar raha hai. Internet revolution wo already prevail kar rahi hai. No doubt, internet ne bhi by the start of the new century, dot-com bubble burst ka door wo dekha tha, lekin dot-com bubble burst ke baad dobara se internet ne wo revive kiya aur phir se ek door jo tha wo e-commerce ka aur e-business ka, we are able to witness that. Likewise, more growth in professional and service occupations, different economies ke andar jo service orientation thi wo bahut tezi se develop honi shuru hui. So ab jab in tamam aspects mein development ho rahi hai, to at the same time the growth in these occupations would mean what? It would mean that different skills are needed now. जैसे हमने अपने सेशन के स्टार्ट में देखा था कि 2021 में, 2022 में, 2025 में डिफरेंट न्यू स्किल सेट्स जो हैं, दे आर द रिक्वायरमेंट्स, ओके? और दोज पीपल जो अपने आप को उन स्किल सेट्स के साथ अपडेट और अपग्रेड और रिएक्ट नहीं करेंगे, दे वुड बी ऑब्वियसली लैकिंग बिहाइंड, ठीक है? इसी तरह इंक्रीज्ड वैल्यू प्लेस्ड ऑन नॉलेज, इसके ऊपर भी हमने बात की थी अपने शुरू के सेशन में, एंड इंटेलेक्चुअल कैपिटल के डेवलपमेंट, जिसमें क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, सर्विसेज, सर्विस ओरिएंटेशन जो है, इसके ऊपर बहुत बात हो रही थी. नॉलेज वर्कर्स, यू नो दैट कॉन्सेप्ट वाज कॉइन्ड बाय पीटर ड्रकर इन 1959, इसके ऊपर बड़ी बात की जाती है कि एम्प्लॉइज हु ओन द मींस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस, सच एम्प्लॉइज कांट सिंपली बी ऑर्डर्ड टू परफॉर्म द टास्क, रादर दे मस्ट शेयर नॉलेज, ठीक है, विद देयर मैनेजर्स, फॉर एग्जाम्पल इन्फॉर्मेशन अबाउट कस्टमर्स एंड कोलेबोरेशन ऑन सोल्यूशन एंड लाइकवाइज. अब आप एक और चीज नोट करो कि अभी कुछ देर पहले हम मिलेनियल्स की बात कर रहे थे, तो इज इट नॉट लाइक मिलेनियल्स हु आर ऑलवेज टॉकिंग एंड स्पीकिंग एंड बिहेविंग इन सच टर्म्स? सो दैट मींस कि जो ओरिएंटेशन है जनरेशन की भी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इम्प्लीकेशन के हवाले से. इसी तरह लोगों की एम्पावरमेंट का बहुत डिस्कशन और चर्चा हुआ रहा. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आपने करनी है, डेवोल्यूशन रोल की तरफ आपने डेवलप करना है. सो गिविंग एम्प्लॉइज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू मेक डिसीजंस रिगार्डिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट और कस्टमर सर्विसेज, तो इसके ऊपर जो एक डेवलपमेंट ऑफ थॉट है, जो ओरिएंटेशन है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी, वो नॉर्म ऑफ द डे बनती जा रही है. लाइकवाइज न्यू स्किल डेवलपमेंट्स आर ऑलवेज रिक्वायर्ड. चेंजेस इन एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप हमें एक कॉन्सेप्ट नजर आता है, जिसमें के साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो एक्सपेक्टेशंस ऑफ एम्प्लॉयज, कंट्रीब्यूशंस एंड व्हाट द कंपनी विल प्रोवाइड इन रिटर्न, इसके ऊपर बहुत बहस और बहुत रिसर्च वो हो रही है आजकल. और पाकिस्तान के कंसर्न में भी द POS कॉन्सेप्ट, परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट, दैट इज द हॉट एरिया जिसके ऊपर बेशुमार रिसर्च, बेशुमार वर्किंग वो हो रही है, एंड ऑर्गेनाइजेशंस आर टेक्निकली फोकसिंग अपॉन डेवलपिंग दीज कंस्ट्रक्ट्स. Likewise, alternative work arrangements, जिसमें के independent contractors, on-call workers, temporary workers, and contract company workers who are not full-time employed by the company, ये सब चीजें आपको बहुत common market में और industry में नजर आनी शुरू हो जाएंगी. कि जो एक permanent employee का concept हुआ करता था, that has become again obsolete and orthodox. People are talking about that you have to renew the contract, you have to talk about in terms of contingency plans. So demanding work basically is getting in, but with more flexibility. और उस flexibility के अंदर the globalization of the world economy, ये और हमारे लिए बड़ा challenging चीज सामने आ रही है कि इस globalization of the world economy के होने से development of e-commerce has made the notion of 40-hour work week obsolete. ठीक है, ये पुराने दौर की बातें होंगे कि जी एक 40-hour work week होता है, उसके बाद एक long weekend होता है. आज का जो दौर है that is talking about 24/7 working. ओके, सो 24/7 दुनिया के एक अगर हाफ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में दिन है तो हाफ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में रात है. तो कंपनीज कोशिश कर रही हैं, एमएनसीज कोशिश कर रही हैं कि उनके ऑपरेशंस किसी पल भी वो ना रुकें. और टेक्निकली भी अगर आप आजकल की टेक्नोलॉजी और गैजेट्स का भी कॉन्सेप्ट देखो कि वी आर इवन वर्किंग 24/7. अवर मोबाइल फोन्स आर ऑलवेज ऑन, अवर व्हाट्सएप इज ऑलवेज ऑन, अवर ईमेल्स आर ऑलवेज ऑन, एंड कोई दिन का पहर, कोई रात का पहर नहीं होता. व्हेन यू आर नॉट गेटिंग द मैसेजेस, व्हेन यू आर नॉट गेटिंग द ईमेल्स, व्हेन यू आर नॉट गेटिंग द इंफॉर्मेशन, ओके? तो ये सब कुछ क्या है, इसने
वर्कफोर्स में एक नई जिद्दत, एक नई डेवलपमेंट, एक नई मॉडर्नाइजेशन वो क्रिएट करनी शुरू कर दी है. सो दिस वर्ल्ड इज लाइक मोर फ्लेक्सिबल वर्ल्ड, जिसमें के जो वर्क डिमांड है वो बहुत तेजी से बदल रही है. सो इस सारे कॉन्सेप्ट के साइड इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं कि मोर डिमांडिंग वर्क रिजल्ट्स इन ग्रेटर एम्प्लॉय स्ट्रेस. और अगर हम एक तरफ 24/7 और उसके चैलेंजेस की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ दैट इज अगेन ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट द साइड इफेक्ट्स. और साइड इफेक्ट्स में द रिजल्ट इज ग्रेटर एम्प्लॉय स्ट्रेस, लेस सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज, लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, हायर टर्नओवर, ऑल ऑफ विच आर कॉस्टली फॉर कंपनीज. तो ये उसके रिपरकशंस हैं, ये उसके नेगेटिव साइड्स हैं, डाउनसाइड्स हैं. ओके, तो अब हमें ऑब्वियसली दोनों कंसर्न्स में चीजों को देखना है, हमें वर्क लाइफ बैलेंस को भी सोचना है और हमें ऑर्गेनाइजेशन की 24/7 वर्किंग कैपेबिलिटी को भी मद्देनजर वो रखना है. दैट इज द रीजन कि इन तमाम कॉन्सेप्ट को हम चैलेंजेस का नाम वो दे रहे हैं. सो अगर हम फर्स्ट पॉइंट को समराइज करें तो कंपीटिंग इन न्यू इकोनॉमी में हमारे पास दो मेन कंसर्न सामने आते हैं. नंबर वन, इंक्रीज्ड वैल्यू इज प्लेस्ड ऑन नॉलेज. एंड नंबर टू, डेवलपमेंट ऑफ ई बिजनेस कॉन्सेप्ट्स. इन दो चीजों को हमें बड़ा टेक्निकली सोचना पड़ेगा और देखना यह है कि इन दोनों कंसर्न में जो ह्यूमन का कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको अब हम किस तरह से अपडेट अपग्रेड करें, हम उसकी स्किल, कॉम्पिटेंसी, प्रोफिशिएंसी को एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस में वो कैसे बदल पाए. द सेकेंड चैलेंज आई नीड टू टॉक एंड डिस्कस विद यू इज रिलेटेड टू कंपीटिंग थ्रू हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम्स, जो आपका HPWS का कॉन्सेप्ट है. अब हम थोड़ा सा उसके ऊपर अपनी डिस्कशन लेकर चलते हैं. सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख रहे हैं. इट सेज वर्क सिस्टम्स मैक्सिमाइज द फिट बिटवीन कंपनीज सोशल सिस्टम, द एम्प्लॉइज एंड इट्स टेक्निकल सिस्टम. ओके, अब हमें एक फिट क्रिएट करना है ऑर्गेनाइजेशन के परस्पेक्टिव में. सो द मेन चैलेंज जो HPWS को फेस आता है वो ये है कि इज हाउ टू इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रक्चर. एंड माइंड यू कि जब हम मैनेजमेंट साइंसेज में वर्ड स्ट्रक्चर यूज करते हैं, टिपिकली एंड टेक्निकली इट मींस थ्री थिंग्स. स्ट्रक्चर वुड मीन फिजिकल आउटलुक, डिपार्टमेंट्स एंड हायरार्की. ओके, तो अब हमने क्या करना है, द मेन चैलेंज इज हाउ टू इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रक्चर. तो टेक्नो स्ट्रक्चरल इश्यूज जो हैं, दे आर इवॉल्विंग, और उन टेक्नो स्ट्रक्चरल इश्यूज को हम कैसे यूज कर पाए जिससे कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट मुमकिन हो, दैट इज द चैलेंज. ओके, सो टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रक्चर टू गेन अ कंपेरेटिव एडवांटेज, दैट इज कंपीटिंग थ्रू हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम्स. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस इन मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, फजी लॉजिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत सारी चीजें इसमें अब काउंट हो रही हैं. सो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशंस एंड माइक्रोप्रोसेसर्स आर चेंजिंग हाउ वर्क इज परफॉर्म्ड. ओके, तो जो न्यू वर्क कंसर्न्स हैं, दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम फ्यू इयर्स पास्ट जो वर्किंग पैटर्न्स और कंसर्न्स वो हुआ करते थे. सो मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज रोल भी उसी के साथ साथ उसी जिद्दत से उसी तेजी से वो बदल रहा है, और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ज्यादातर फ्लेक्स टाइम, फ्लेक्स प्लेस के कॉन्सेप्ट्स को अडॉप्ट वो कर रही हैं. जो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस का एग्जिस्ट करना, बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर बहस करना, तो ये तमाम उस कॉन्सेप्ट की रिपरकशंस, उसके आफ्टर इफेक्ट्स हमें नजर आते हैं. So technology has made HR information databases more available and accessible and had created a need to develop HRM practices that integrate technology with people. So ab HRIS ka jo concept hai, aapke SAP systems hain, aapke ERP systems hain, aapke PeopleSoft, OutlookSoft, is tarah ke beshumar hamare paas networks aur systems available hain jinme ke human resource se related jo capability hai data ikattha karne ki, data ko save karne ki, retrieve karne ki, इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की, वो बहुत ज्यादा है. सो मेजर एम्फसिस जो इस टेक्नो स्ट्रक्चरल ईरा में हमें नजर आता है, दैट इज टॉकिंग अबाउट चेंज इन एम्प्लॉइज वर्क रोल एंड स्किल रिक्वायरमेंट्स, इंक्रीज इन यूज ऑफ टीम्स टू परफॉर्म वर्क, चेंजेस इन नेचर ऑफ मैनेजरियल वर्क, चेंजेस इन कंपनी स्ट्रक्चर, इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ HRM databases इन टर्म्स ऑफ ऑब्वियसली HRM, HRIS के हवाले से हम बात कर रहे हैं, एंड देन द कॉन्सेप्ट ऑफ EHRM. That is again one of the popular concerns we have. जिसमें कि हमने information technology को use करते हुए हमने digitalize कर दिया तमाम तर HR practices को. तो EHRM में अगर हम इसको define करें, the processing and transmission of digitalized information used in human resource management, ये तमाम वो challenges हैं which are evolving and developing.
अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ एचआरएम प्रैक्टिसेस सपोर्ट हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम्स। अब हम उसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि हमें सपोर्ट कैसे अवेलेबल होगी। व्हाट वी नीड टू फोकस अपॉन इज टीम्स परफॉर्म वर्क। और यह बात याद रखिएगा कि टीम वर्क इज ए वेरी ट्रिकी कंसर्न। टीम्स का एक्सप्रेशन यूज करना तो बहुत ईजी है, बट देर आर वेरी फ्यू ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप्स जहां पर एक्चुअली टीम्स वो डेवलप की जाए, जहां पर क्रॉस फंक्शनल और क्रॉस हायरार्किकल वर्क ग्रुप्स का एक्चुअली नॉर्म हो, वहां पर डेवलप किए जाते हो। अदर देन द प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन जहां पर प्रोजेक्ट बेस्ड वर्किंग की जाती है, बहुत कम आपको टीम वर्क वो नजर आएगा। ओके तो सिर्फ टीम का एक्सप्रेशन यूज करने में और एक्चुअल टीम वर्क को लेकर आने में डिफरेंस होता है। सो एम्प्लॉइज पार्टिसिपेट इन सिलेक्शन, डेवोल्यूशन रोल के कंसर्न में भी हम बात कर रहे हैं। एम्प्लॉइज रिसीव फॉर्मल परफॉर्मेंस फीडबैक एंड आर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्रोसेस। ऑनगोइंग ट्रेनिंग इज एम्फसाइज्ड एंड रिवॉर्डेड, इसके ऊपर बहुत डिस्कशन की जा रही है। मेंटोरिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो आजकल बहुत ज्यादा इन हैं। एम्प्लॉइज रिवॉर्ड एंड कंपनसेशन रिलेट टू कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अब उसमें आपको स्टॉक ऑप्शंस भी हैं, आपके गेन शेयर भी है, आपके प्रॉफिट शेयरिंग भी है, इस तरह के बहुत से कंसर्न्स अवेलेबल हैं जो कि प्रैक्टिकली कंपनीज यूज कर रही हैं। इक्विपमेंट एंड वर्क प्रोसेसेस आर स्ट्रक्चर्ड एंड टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू एनकरेज मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंटरेक्शन अमंग एम्प्लॉइज। एंड एम्प्लॉइज पार्टिसिपेट इन प्लानिंग चेंजेस इन इक्विपमेंट लेआउट एंड वर्क मेथड्स। इसके ऊपर बहुत तब्दीली आ रही है, आपके वर्किंग पैटर्न्स, आपके जो फैसिलिटी लेआउट्स हैं, जो फैसिलिटी डिजाइन्स हैं, उनमें बड़ी जिद्दत इस वक्त हमें ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर वो देखने को मिलती है, चाहे वो असेंबली लाइन ऑपरेशंस हो या आपके जॉब शॉप हो या बैच प्रोडक्शन हो। इन आइदर केस आपकी जो ह्यूमन फोर्स की ऑप्टिमाइजेशन है, वर्क फोर्स की जो ऑप्टिमाइजेशन है, दैट इज डिस्कशन विच इज वेरी पॉपुलर दीज डेज। लाइकवाइज आपका वर्क डिजाइन अलाउज एम्प्लॉइज टू यूज अ वैरायटी ऑफ स्किल्स। अब टास्क यूनिटी, स्किल वैरायटी, टास्क सिग्निफिकेंस, इस तरह के बहुत से कंसर्न्स हमारे पास वर्क डिजाइन में अवेलेबल है, जिसमें कि वर्कर एनालिसिस, टास्क एनालिसिस, एनवायरमेंट एनालिसिस, इन सब चीजों के ऊपर फोकस किया जाता है। एंड एम्प्लॉइज अंडरस्टैंड हाउ देयर जॉब कंट्रीब्यूट टू द फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल ये भी इसके अंदर इन्वॉल्व है कि जिसके तहत हम हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स को यूज करके अपने इन चैलेंजेस को ओवरकम वो कर सकते हैं। अगर हम सेकंड पॉइंट को कंक्लूड करें तो वी हैव गॉट टू पॉइंट एजेंडा विद अस एंड दे आर नंबर वन चेंज एम्प्लॉइज एंड मैनेजर्स रोल एंड नंबर टू इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी एंड सोशल वर्क सिस्टम्स। ये दो कंसर्न्स हमारे पास मेन बने इस सारी डिस्कशन से जो भी हमने सेकंड पॉइंट के तहत की कि अब हमारे पास जो फ्यूचर चैलेंजेस हैं उनको हमने किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करना है। अगर हम थर्ड चैलेंज की तरफ चलें आउट ऑफ द फोर, तो द की कंसेप्ट ओवर हियर इज that we have to meet the requirements of the stakeholders. Ab zahir hai ki company effectiveness and competitiveness are determined by whether the company satisfies the needs of stakeholders or not. Aur wahi companies long term survive kar pati hain jo apne stakeholder ke concerns ko maddenazar rakhti hain. Ab stakeholders ki agar hum list ki baat kare to we have shareholders jinki wealth ko humne maximize karna hai, who want a return on their investment, और उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए एजेंसी थ्योरी और एजेंसी प्रॉब्लम से बचने के लिए we need to focus upon corporate governance. और जाहिर है कि corporate governance के अंदर भी बेशुमार aspects हमारे human resource management के concern में भी वो आ जाते हैं, जिसमें के board of director की तश्कील से लेकर तमाम जो executive body के लोग कितने होंगे, non executive body के लोग कितने होंगे, इन सब चीजों को corporate governance में discuss किया जाता है। remuneration of the top management को discuss किया जाता है। so ये सब चीजें जाहिर है कि HR के concern से related हैं। इसी तरह हमारे stakeholder में customers की बात की जा रही है, who want a high quality product or service। अब उनके क्या concerns हैं, needs हैं, wants हैं, behaviors हैं, उनको हमने देखना है। employees के हवाले से, who desire interesting work and reasonable compensation for their services, जो हमारे internal customers भी हैं। Likewise, community को भी मद्देनजर रखना पड़ेगा, और ये चीज भी HR के domain में आती है कि which wants the company to contribute to activities and projects and minimize pollution of the environment. So no doubt we are focusing upon and referring to CSR, corporate social responsibility. और जाहिर है कि corporate social responsibility के अंदर भी human resource management department का role वो बहुत अहम है। Likewise, other stakeholders, उसमें auditors हैं, loan donors हैं, banks हैं, government agencies हैं, so there are list of people, list of agencies, list of constituents in the environment जो कि organization को affect कर रहे हैं और organization उनको affect कर रही है। तो we have to see कि उन तमाम की जो हमारी organization के साथ expectations हैं, उनको हम meet up
वो कैसे करें, पर्टिकुलरली इन एचआर कंसर्न्स। अब अगर हम इसकी डिटेल में चलें कि जब हमने इन तमाम स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई करना है तो वी हैव गॉट सर्टेन कंसर्न्स, लाइक अगर हम कस्टमर्स की बात करें तो वी हैव टू फोकस अपॉन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, और जब हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो दैट मींस कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ डूइंग बिजनेस दैट रिलाइज ऑन द टैलेंट्स एंड कैपेबिलिटीज ऑफ बोथ लेबर एंड मैनेजमेंट टू कंटिन्यूअली इंप्रूव क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का फलसफा उस वक्त तक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं बन सकता जब तक के आप ह्यूमन को उसके मुताबिक अपडेट, अपग्रेड, ओरिएंट वो ना करो। लाइकवाइज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की डिस्कशन से ही रिलेटेड अगर हम स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल्स की बात करें तो स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल्स में वी हैव सिक्स सिग्मा, जिसमें के 3.4 एरर्स इन 1 मिलियन ट्रांजैक्शंस की आप बात करते हो। तो अब अगर इस हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी और प्रसीजन पर आपने काम करना है जहां पर 3.4 एरर्स आपकी 1 मिलियन ट्रांजैक्शंस में आने का चांस हो, उसका चांस ऑफ अकरेंस हो, तो आपको बहुत ज्यादा एक्यूरेट प्रिसाइज काम करना होगा और लोगों को उसके मुताबिक अपडेट और अपग्रेड भी करना होगा। तो आपके क्वालिटी कंट्रोल के एस्पेक्ट्स, आपके क्वालिटी एश्योरेंस के एस्पेक्ट्स, इन तमाम चीजों को बहुत टेक्निकली एस्टैब्लिश करने की जरूरत वो होगी। सो अ सिस्टम ऑफ मेजरिंग, एनालाइजिंग, इंप्रूविंग एंड देन कंट्रोलिंग प्रोसेसेस वंस दे मीट अप क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, दैट इज द कंसर्न रिलेटेड विद द सिक्स सिग्मा। और सिक्स सिग्मा अगेन इट इज नॉट समथिंग जो कि प्योरली मशीन से अचीव होता है, इसमें ह्यूमन कॉन्ट्रीब्यूशन एंड ह्यूमन एलिमेंट वो बहुत ज्यादा है। इसी के साथ साथ ISO क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हमें अवेलेबल हैं, उसमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से लेकर एम्प्लॉई सेफ्टी एंड हेल्थ तक हर चीज के स्टैंडर्ड्स हमें अवेलेबल हो जाते हैं कि जिनके मुताबिक हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटी को मौजूदा चैलेंजेस से मीटअप करने के लिए एस्टैब्लिश कर सकते हैं। THQM का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था जहां पर हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के साथ एसोसिएट करके बात करते हैं कि टोटल ह्यूमन क्वालिटी मैनेजमेंट वो किस तरीके से इंश्योर वो की जाए। मेन मकसद क्या है सारी बात का, मेन मकसद यह है कि हमें स्टेक होल्डर की एक्सपेक्टेशंस को वो मीट करना है। सेकेंडली अगर हम लेबर फोर्स की बात करें, अभी हमने कस्टमर के परस्पेक्टिव में क्वालिटी को डिस्कस किया, अगर हम लेबर फोर्स की बात करें तो लेबर फोर्स के कंसर्न में इंटरनल लेबर फोर्स उनके इश्यूज को हमें देखना होगा, एक्सटर्नल लेबर फोर्स उसको हमें स्टडी करना पड़ेगा कि एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस इस वक्त हमारी इंडस्ट्री और मार्केट में वो कैसी हैं। हमें डाइवर्सिटी के इश्यूज के ऊपर फोकस रखना पड़ेगा कि डाइवर्सिटी इन एज, जेंडर, टेन्योर, मेंटल स्टेटस, सेक्स, कास्ट, रिलीजन, ये अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एस्टैब्लिश कर रही है तो इस डाइवर्सिटी के रिपरकशंस क्या हैं। और ये बात भी याद रखिएगा कि डाइवर्सिटी इज नॉट ऑलवेज द सॉल्यूशन, बास कल्चर्स बास जगहों पर हो सकता है कि आपको होमोजेनियस एस्पेक्ट पर काम करना पड़े, बाज जगहों पर हो सकता है कि आपको हेट्रोजीनियस एस्पेक्ट्स पर वो काम करना पड़े। सो डाइवर्सिटी हमने अपनी कंपनी, फैक्ट्री, कारखाने के अंदर लेकर आनी है कि नहीं, टीम वर्क पे हमने काम करवाना है कि नहीं। सो दीज आर ऑल द चैलेंजेस, ऑल द कंसर्न्स जिनको बहुत हमें विजिलेंटली और क्लियरली वो देखना पड़ेगा। लाइकवाइज जब हम स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हैं तो वी जस्ट कैन नॉट इग्नोर लेजिस्लेशन एंड लिटिगेशन। सो फाइव मेन एरियाज ऑफ लीगल एनवायरमेंट हमारे पास जनरली डिस्कस किए जाते हैं, जिसमें के इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की जो प्रैक्टिसेस हैं वो अवेलेबल हैं। देन देयर इज एम्प्लॉई हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरमेंट कंसर्न, जिसको HSE के नाम से वो जाना जाता है। अब एम्प्लॉई हेल्थ एंड सेफ्टी एंड एनवायरमेंट से रिलेटेड वो क्या कंसर्न हैं, उसके लिए आपको मैं एक प्रैक्टिकल डॉक्यूमेंट वो दिखा रहा हूं। आई एम गोइंग टू टेक यू अगेन इन टू द डिटेल्स ऑफ अ बिग गुड कंपनी विच इज अडिडास। सो अडिडास कॉर्पोरेशन जब सियालकोट की कंपनीज के साथ ताल्लुक कायम करती है तो उनको किस किस्म के रिक्वायरमेंट्स वो देती है रिलेटेड टू एम्प्लॉई हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरमेंट, उसके ऊपर आपको मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूं। फॉर दैट आई हैव टू टर्न ऑफ दिस स्लाइड शेयर एंड टर्न ऑन दैट क्लिप। ओके डियर, आई होप दिस PDF फाइल इज विजिबल टू यू। I'm again taking you to Adidas Group, and likewise, it is not just the Adidas, number of organizations जो international client के तौर पर हमारे साथ काम करती हैं, so they always come up with such type of documents, और इन practices के बगैर उन organizations के लिए survive करना और काम करना बहुत मुश्किल होता है। अब health, safety and guidelines की जब हम बात करते हैं HRM के concern में, तो आपको मैं इसके table of contents वो दिखा रहा हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरमेंट के कंसर्न्स में किस किस्म की डिस्कशंस वो की जाती हैं। सबसे पहले
एक ओवरऑल मैनेजमेंट के ऊपर डिस्कशन है जिसमें के एक्सीडेंट इंजरी लॉग ये सब कुछ मेंटेन किया जाता है और ये बात एचआरएम की परफॉर्मेंस के अंदर काउंट होती है। एक वन ऑफ द मैट्रिक्स वी हैव रिलेटेड टू द एचआर और वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उनमें से माइनर कितने हैं, मेजर कितने हैं और लीथल कितने हैं। ओके, तो वर्कफोर्स एक्सीडेंट्स इनके लॉग मेंटेन किए जाएं, फायर एंड एमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान बनाए जाएं जो कि एचआरएम ने डेवलप करने हैं और एचआरएम ने ही एग्जीक्यूट करवाने हैं। इसी तरह फायर एंड सेफ्टी के इश्यूज के ऊपर बात की जाए, एमरजेंसी एग्जिट्स एंड रूट्स डेवलप किए जाएं, स्टेयरवेज बनाई जाएं, आपके एग्जिट पाथ्स डेवलप किए जाएं, ट्रेवल डिस्टेंस को इंश्योर किया जाए। लाइकवाइज फायर सेफ्टी, फर्स्ट एड, केमिकल सेफ्टी मैनेजमेंट, यूज ऑफ हैजर्डियस मटेरियल इन प्रोडक्शन, वर्कर एक्सपोजर टू हैजर्डियस केमिकल्स, कलर कोडिंग एंड लेबलिंग, कंप्रेस्ड गैसेस इनके ऊपर डिस्कशन, जनरल हाउसकीपिंग, लाइटनिंग, इलेक्ट्रिसिटी इसके स्टैंडर्ड्स अवेलेबल है, मशीन सेफ्टी एंड नॉइज इसके स्टैंडर्ड्स अवेलेबल है, डॉर्मेटरी फैसिलिटी इसके ऊपर बात की गई है, सैनिटरी एंड हाइजीन जिसमें के टॉयलेट, डाइनिंग एंड किचन फैसिलिटीज इसके ऊपर डिस्कशन की जाएगी, हेल्थ एंड सेफ्टी गाइडलाइंस ये सब दी गई हैं जिसमें के आपको कितना वर्क परफॉर्म करना चाहिए, कितना लोड लिफ्ट करना चाहिए, एर्गोनॉमिकल जो एस्पेक्ट्स हैं उसके ऊपर कंप्लीट डिटेल, जैसे 14.3 अगर पॉइंट आप देखो, एन एर्गोनॉमिक अप्रोच टू लिफ्टिंग वो इनकॉर्पोरेट की जाएगी। और अगर फर्ज करें कि किसी भी स्टेज के ऊपर ये बात इंटरनेशनल फोरम्स पर पहुंच जाए कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इन तमाम चीजों को लुक आफ्टर नहीं कर रही है, तो गुडविल जो तबाह होगी वो इन कंपनीज की होगी जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। देयरफॉर याद रखिएगा कि जो भी लोग, जो भी कंपनीज अपने आप को इन्वॉल्व करती हैं इन इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव्स में, इंटरनेशनल क्लाइंटेज के साथ, दे ऑलवेज कम अप विद गुड वर्किंग प्रैक्टिसेस एंड एस्टैब्लिश्ड एचआर एस्पेक्ट्स। इसी तरह वहां पर कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी, वहां पर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इसकी रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं, वर्कर एचएनएस हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स ये प्रोवाइड की जाएंगी, ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स एंड रिस्क असेसमेंट इसके ऊपर बात की जाएगी, हॉट वर्क एनवायरमेंट एंड हीट स्ट्रेस जो कि बहुत ज्यादा हमें टेक्सटाइल और डिफरेंट और जगहों पर नजर आता है जहां पर फर्नेसेस ऑपरेशनल हैं उनके स्टैंडर्ड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, एर्गोनॉमिक्स के ऊपर फिर एक कंप्लीट बहस अवेलेबल है, वेंटिलेशन डिजाइन के ऊपर बहस अवेलेबल है। सो रिमेंबर कि ये तमाम चीजें दे आर डेवलप्ड, दे आर शेयर्ड, अब इनको इंप्लीमेंट करना, अपनी प्रैक्टिसेस को बेहतर से बेहतर बनाना और अपने आप को वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स के ऊपर एस्टैब्लिश करना, इसकी जिम्मेदारी नो डाउट अब हमारे ऊपर है। ओके, सो आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर विद यू के एक ऑर्गेनाइजेशनल परस्पेक्टिव में ऑर्गेनाइजेशंस किस तरीके से हेल्थ एंड सेफ्टी के जो प्रोसीजर्स हैं उनको डेवलप वो करती हैं। सो आई टुक यू टू दिस एडिडास फाइल फ्रॉम द पॉइंट, जो भी हमने यहां सेकंड में पढ़ा, लेजिस्लेशन एंड लिटिगेशन के हवाले से कि एम्प्लॉई हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरमेंट के जो कंसर्न्स हैं, दीज आर द थिंग्स वी नीड टू फोकस अपॉन। एंड नो डाउट आईएसओ के कंसर्न में भी आईएसओ 14000, आईएसओ 18000 ये तमाम वो सर्टिफिकेट्स हैं जो हमें ये प्रोटेक्शंस और ये स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड वो करते हैं। Okay, so there is a question in my Zoom group chat and it says that can these be classified into essential or optional? Well, these are essential. Mind you, these are essential. Lekin systematic corruption, main is baat ko bhi ignore nahi kar raha hu. Systematic corruption yakeenan hai. ऑडिटर्स की आंखों में धूल झोंकना यकीनन है, गलत रिपोर्ट्स बनाकर प्रेजेंट करना यकीनन है, लेकिन अगेन ये बड़ा एक सब्जेक्टिव मेजर ऑफ डिस्कशन का शुरू हो जाएगा कि ये ऑल इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपका जो अमल है उसका दारोमदार किन चीजों पर है। ओके, सो आई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर द आईएसओ सर्टिफाइड कंपनीज अप्रूव्ड अकॉर्डिंग टू दीज स्टैंडर्ड्स? वेल यस, आईएसओ 14000 आई एम टेलिंग यू, आईएसओ 18000 आई एम टेलिंग यू, ये हेल्थ एंड सेफ्टी एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड है और नो डाउट कि अगर आप वाकई सर्टिफाइड हो तो यू आर टॉकिंग अबाउट दीज स्टैंडर्ड्स एंड इट्स एंड देयर इंप्लीकेशंस एंड देयर एप्लीकेशंस। लेकिन अगर अगेन मैं उसमें ब्राइबरी को डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूं, मैं सिस्टमेटिक करप्शन को डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूं, बिकॉज दीज आर ऑल अनएथिकल इलीगल एस्पेक्ट्स। बाय द टाइम जो शौर डेवलप कर रहा है, कंपनीज आर टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, कुछ ना कुछ 1% से 2%, 2% से 3% डेवलपमेंट बाहर सूरत हो रही है। हम ये नहीं कह सकते कि लोकल ऑर्गेनाइजेशंस आर टोटली अनअवेयर अबाउट दीज प्रैक्टिसेस। एक और चीज आपको इंडिकेट करता चलूं
कि आए दिन जब हम खबरें सुनते हैं कि कराची में एक कारखाने में आग लग गई और इतने लोग जांबहक हो गए, इस तरह के बहुत से एस्पेक्ट्स और बहुत से वाकयात ऐसे सामने आते हैं कि इस चीज की जरूरत वो मल्टीप्लाइड होकर हमारे सामने वो आ जाती है। ओके, सो अगेन मेरा काम आप लोगों को निशानदेही करना है, प्रैक्टिकल लाइफ में इन चीजों को इम्प्लीमेंट करना और कहां कहां पर किन किन बॉटलनेक्स को हम कैसे ओवरकम करेंगे। नो डाउट हम सबको मिलकर उसके लिए काम और कोशिश करने की जरूरत वो है। सो आपका एम्प्लॉय पे एंड बेनिफिट्स, एम्प्लॉय प्राइवेसी, जॉब सिक्योरिटी, इस तरह के बहुत से एस्पेक्ट्स हैं जिनके बारे में लीगल डिस्कशंस मौजूद हैं। लाइकवाइज जब हम इन कंपीटिंग चैलेंजेस की बात करेंगे स्टेक होल्डर कंसर्न्स के हवाले से, तो एथिकल कंसिडरेशंस आर लाइक ऑफ हाई इंपॉर्टेंस। HR managers must satisfy three basic standards. जब हम ethics की implication की बात करेंगे, number one, HRM practices must result in the greatest good for the largest number of people, जो कि आपका basically utilitarian concern भी है। इसी तरह employment practices must respect basic human rights of privacy, due process, consent and free speech. एक बात याद रखिएगा कि फर्ज करो कि आप अगर इस बात को सोचो कि ये चीजें हम इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, इन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, तो किसी भी स्टेज पर कोई रेगुलेटरी बॉडी, मीडिया, बहुत से एस्पेक्ट्स ऐसे हैं कि जिसके अंदर आप उनकी पकड़ में वो आ सकते हो, एंड यू वुड डेफिनेटली लूज द गुडविल ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन इफ सच थिंग्स स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी। Likewise, managers must treat employees and customers equitably and fairly. So these are all the concerns जिसके ऊपर हमें बहस करने की, चैलेंजेस को फेस करने की जरूरत वो है। अगर हम अपने थर्ड पॉइंट को कंक्लूड करें तो हमारे पास दो इश्यूज आते हैं। नंबर वन, दैट वी हैव टू प्रोवाइड अ रिटर्न टू शेयर होल्डर अकॉर्डिंग टू नो डाउट देयर एक्सपेक्टेशंस, एंड नंबर टू, प्रोवाइड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट सर्विसेज एंड वर्क एक्सपीरियंस फॉर एम्प्लॉइज। तो ये दो हमारे पास मेन कंसर्न्स हैं जो इस सारी गुज़िश्ता डिस्कशन की रोशनी में हमें फोकस में लेकर आने हैं। Likewise, अगर हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ चलें तो हमारे पास इश्यूज लाइक ग्लोबलाइजेशन, ग्लोकलाइजेशन, लोकलाइजेशन ये आने शुरू हो जाएंगे। इस कंसर्न में थिंकिंग ग्लोबल और एक्टिंग लोकल आपने करना है कि आपने थिंकिंग ग्लोबल एंड एक्टिंग ग्लोबल करना है कि आपने थिंकिंग लोकल एंड एक्टिंग लोकल करना है, इट ऑल डिपेंड्स कि आपका फ्रेम ऑफ माइंड और आपका बिजनेस एक्सपोजर वो कैसा है। एज पर द स्लाइड डिस्कशन इज कंसर्न, इंशाल्लाह हम इसको शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट जूम सेशन में। प्लीज जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा।